दोस्तों नमस्कार। आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर, जहां माता विंध्यवासिनी का निवास स्थान है। बगल में ही गंगा नदी भी बहती है। तो चलिए दोस्तों, माता विंध्यवासिनी के दर्शन हम लोग करते हैं। दोस्तों यहां पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल यहां पर आते हैं। दोस्तों यह 51 शक्तिपीठ में से एक माना भी जाता है, और 51 शक्तिपीठ की हम लोग कुछ कहानी है, वो रोचक कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पर कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पर दर्शन कैसे किए जाएं, यहाँ पर घूमने की क्या क्या जगह है, यहाँ पर कब जाना चाहिए, और यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, और अंत में हम यहाँ के बजट प्लान की बात करेंगे कि यहाँ पर पूरे टूर में कितना पैसा लगता है। दोस्तों अपने शहर से ट्रेन पकड़ के, जो कि यहाँ पर आने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। आप लोग बाहर निकलिए, जब आप लोग स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ऑटो मिलेगा। स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी के लिए यह लोग 20 से 25 रुपया लेंगे, और आप लोग विंध्याचल माता के दरबार उतार देंगे। अगर आपकी ट्रेन विंध्याचल स्टेशन नहीं आती है तो मिर्ज़ापुर आ जाइए। मिर्ज़ापुर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल माता का भवन है, तो यह लोग ऑटो से भी पहुंचा देंगे। अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ से 70 किलोमीटर पर माता का भवन है। बढ़िया हाईवे बने हुए हैं, और किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको आराम से टैक्सी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग बस से आना चाहते हैं और वाराणसी या प्रयागराज से भी आना चाहते हैं, तो एसी नॉन एसी बस की पूरी कनेक्टिविटी है, और हाईवे अच्छी तरह से बने हुए हैं, तो दिक्कत आने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल से जो भी कोई लोग दोस्त पहली बार सर्वप्रथम जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलती रहेगी। बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें। दोस्तों ये कॉरिडोर बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना है, यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दोस्तों ये जो त्रिपाल और साइड में जो मकान है, सब एक रंग के कर दिए जाएंगे। त्रिपाल वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हटा के हर दुकान के सामने एक तरीके का शेड बना दिया जाएगा, जैसा कि अयोध्या में बनाया हुआ है, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ बात करते हैं रुकने की। वैसे तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, सुबह आकर आप लोग दर्शन करके शाम को जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वन नाइट स्टे एनफ है। तो धर्मशाला की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर 300 से 700 रुपए का धर्मशाला मिल जाएगा, और अगर होटल की बात करें तो 500 रुपए से होटल चालू हो जाते हैं, जो 1000 रुपए तक जाते हैं, और उसके ऊपर और भी महंगे महंगे तो कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर होटल के रुकने की भी कोई दिक्कत नहीं है, और VIP रोड के पास ही लें, जो कि भवन और गंगा नदी के पास में पड़ता है। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दोनों साइड में पूजा सामग्री की दुकानें भरपूर मिलेंगी, तो आप पूजा सामग्री कहीं से भी ले सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप लोग एंटर करेंगे मेन गेट में, अभी हम लोग मेन गेट की तरफ चल रहे हैं, जो मुख्य द्वार बनाया गया है माता रानी के भवन के लिए, ये मेन गेट है, तो इससे होते हुए गंगा नदी के किनारे भी हम लोग जा सकते हैं। ये देखिए गंगा नदी के किनारे आए हुए हैं। यहाँ पर शाम को 6-6:30 बजे गंगा आरती भी होती है, और यहाँ पर आकर आप आराम से नहाना धोना कर सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जगह जगह घाट बने हुए हैं, और निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से भी चल रहा है।
और कपड़े बदलने के भी साधन हैं। ये देखिए मेन गेट है, कपड़े बदलने के भी साधन हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। महिलाओं के लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है। जब आप दर्शन कर वापस जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से जाने के बाद विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने का समय है दोस्तों, सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 1:30 बजे से शाम के 7:15 तक, और शाम 8 बजे से रात्रि तक। तो विशेष ध्यान रखें। और ये वाराणसी कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया गया है। ये देखिए हवन कुंड है, जो भी आप सामग्री लाएं तो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मुंडन भवन है, इसके पीछे सीढ़ी है, ऊपर जाकर मुंडन भवन है, बहुत बड़ा बना हुआ है। और ये फ्री पेयजल का स्थान भी है। ये देखिए बढ़िया शौचालय है, 5 रुपये लेता है, और बढ़िया आपको साफ सफाई के साथ। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है दोस्तों, माता रानी का भवन है। और दोस्तों हम लोग यहाँ से लाइन में लग जाते हैं, जय माता दी, माता के जयकारे चल रहे हैं, और धीरे धीरे करके लाइन आगे बढ़ती है। नॉर्मल दिनों में यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं दोस्तों। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी हर इंसान की मनोकामना पूरी करती है दोस्तों, हर इंसान के कष्टों को हरती है। जय माता रानी। दोस्तों यहाँ के शास्त्रों के अनुसार ये 51 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान भोले बाबा के ससुर साहब माता पार्वती के पिताजी जब हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उस वक्त भोले बाबा को नहीं बुलाए थे, तो इसमें माता पार्वती गुस्से से लाल होकर हवन कुंड में जाकर कूद गई थीं, तो उनका शरीर पूरा लगभग जल चुका था। तो जब भोले बाबा को पता चला तो उनकी जलती हुई लाश को लेकर पूरे पृथ्वी पर तांडव नृत्य किया था दोस्तों। चारों तरफ एकदम परेशान परेशान घूमे थे, क्योंकि उनकी पत्नी थी, तो उनके जले हुए शरीर के जहाँ जहाँ पर भी टुकड़े गिरे हैं, उन्हीं को 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और दोस्तों खाने की बात करें तो यहाँ पर 60-70 रुपये में भरपेट भोजन आपको शुद्ध शाकाहारी कहीं पर भी खा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों काली खो और अष्टभुजा मंदिर के दर्शन करने के बाद ही यहाँ की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप लोग 2 से 3 लोग हो तो ऑटो बुक कर लीजिए पूरे दिन के लिए, जो 500 से 600 लेगा और आप लोगों को 6-7 प्लेस घुमा देगा। तो हम लोग काली खो सबसे पहले पहुंच गए हैं, काली खो दर्शन कर लीजिए दोस्तों। और जब माता रानी के काली खो जब दर्शन कर लेंगे, और यहाँ पर अगर आप लोग पैदल नहीं जा पाते हैं तो रोपवे की भी सुविधा है, फिर उसी ऑटो पकड़कर अष्टभुजा मंदिर आ जाइए। यहाँ पर भी रोपवे की सुविधा भी है, तो रोपवे से भी अगर आप लोग मनोरंजन करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। और इसके बाद दोस्तों सीता कुंड आ जाइए, सीता कुंड यहाँ पर भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। फिर रामेश्वर महादेव मंदिर आ जाइए, यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए, और भी कई मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे, उनके भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जय भोले बाबा की। और उसके बाद माता तारा शक्ति पीठ आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भी माता जी के दर्शन कर लीजिए। वैसे तो दोस्तों अगर यहाँ पर आना है तो सितंबर से अप्रैल का समय सही माना जाता है, हैं, और अगर आप लोग इस समय आते हैं तो थोड़ी धूप और गर्मी कम रहती है, और नॉर्मल दिनों में यहाँ पर 1 घंटे में दोस्तों दर्शन हो जाते हैं। अगर नवरात्रि का समय तो 5 से 6 घंटे तो मामूली बात है। और अगर बजट की बात करें दोस्तों तो 1000 या 1200 ट्रेन टिकट वन डे टूर के लिए एनफ है। और अगर आप वन नाइट जर्नी करना चाहते हैं तो 1500 से लेके 1700 प्लस ट्रेन टिकट वन नाइट स्टे के लिए काफ़ी है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय माता रानी की, जय माता भवानी, जय विंध्याचल माता की जय।